दोस्तों तो आज बात कर लेते हैं हाईवे गिल के बारे में, जिसको रोड गिल भी कहा जाता है, प्रिंस गिल भी कहा जाता है, शुभमन गिल भी कहा जाता है और मिस्टर बेटर देन बाबर आजम भी कहा जाता है। आज उस शुभमन गिल की कंपैरिजन करते हैं, रिकॉर्ड दिखाते हैं वर्सेस विराट कोहली नहीं, वर्सेस बाबर आजम नहीं, वर्सेस कोई और प्लेयर नहीं, वर्सेस रविचंद्रन अश्विन है। रविचंद्र अश्विन जो आठवें नवें नंबर पर बैटिंग करने आता है, टेल एंडर का प्लेयर है रविचंद्र अश्विन, वो भी शुभमन गिल से ज्यादा रन बना के चला गया था शुरू की 35 इनिंग में। भाई 1006 रन, पता नहीं 1000 कितने रन इतने बना लिए थे रविचंद्र अश्विन ने। हाँ 1006 रन बनाए थे जब उसने 35 इनिंग्स खेली थी टेस्ट क्रिकेट में। और ये हाईवे गिल, ये हैदराबाद गिल, ये रोड गिल, इसने 35 इनिंग खेल के भाई 1000 रन भी नहीं बनाए, मतलब 12 रन रविचंद्रन अश्विन जो है के शुभमन गिल से आगे है, 12 रन आगे है, टेल एंडर का प्लेयर है भाई। तो शुभमन गिल ओपनर है, अभी 5-4-5 उसने टेस्ट जो है ना वन डाउन में खेले हैं, वरना वो टेस्ट में हमेशा उसने ओपनिंग की है। और टेस्ट क्रिकेट में जो पांचवें नंबर पे आता है ना, वो भी समझ लो ओपनर ही होता है टेस्ट में, इतने ओवर मिलते हैं खेलने को। वो शुभमन गिल यार एक टेल एंडर के प्लेयर से भी पीछे रह गया है, और इसको कहा जाता है मिस्टर बेटर देन बाबर आजम। भाई रोड गिल जो ना, अहमदाबाद गिल, शुभमन गिल, हाईवे गिल, इसको घर में खिलाओ, बाहर खेलने के ये लायक नहीं है। छोटी छोटी टीमों के खिलाफ, छोटी छोटी टीमों को पेलने वाला शुभमन गिल, इतना इतना उसको तुम लोग जो उठा के बैठे हो ना ऊपर, मुझे इस बात का जवाब दो, शुभमन गिल की वनडे में 5 सेंचुरियां हैं, 5 सेंचुरियों में से कोई बड़ी टीम के खिलाफ कोई सेंचुरी दिखाओ, दिखा दो। डबल सेंचुरी उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाई थी, सी टीम थी ना, उसमें बॉलर ट्रेंट बोल्ट था ना, उसमें टम साउथी था ना, उसमें जो ना एडम मिलन, मट हेनरी, ये बॉलर नहीं थे, सही है। और वो जो इंडिया का स्पिनर जो खेल रहा है ना इशु सुधी, वो भी नहीं था, छोटी टीम थी बिल्कुल न्यूजीलैंड की, जिसके खिलाफ इसने डबल सेंचुरी चढ़ी थी, सही है। डबल सेंचुरी के बाद फिर से इसने वनडे में उसी सीरीज में एक दूसरी सेंचुरी भी चढ़ दी थी, वो भी न्यूजीलैंड की उस सी टीम के खिलाफ। फिर वही न्यूजीलैंड की छोटी टीम जब T20 सीरीज खेलने लगी तो उसके खिलाफ T20 सेंचुरी भी चढ़ दी। तो 5 सेंचुरियां इसकी वनडे में, 1 सेंचुरी इसकी T20 में, पांचों की पांचों और T20 वाले सेंचुरी बी सी टीमों के खिलाफ है, किसी बड़ी टीम के खिलाफ इसकी कोई सेंचुरी नहीं है। और इसको सर पे बिठा दिया है भारतीयों ने, मतलब बहुत बड़े लेजेंड क्रिकेटर ये भी कह रहे हैं कि शुभमन गिल इतना डिजर्व नहीं करते थे उसको हर मैच खिलाना। वर्ल्ड कप में भी उसकी परफॉर्म तुम लोगों ने देख ली थी, एक ही मैच में, कुछ मैच वो खेला नहीं था तो एक ही मैच में उसके सेमीफाइनल में परफॉर्म थी, बाकी तो उसने कुछ किया ही नहीं था। हैं, बड़ा मैच का बड़ा प्लेयर बोलते हो इसको, WTC के फाइनल की 2 इनिंग्स खेली, कुछ नहीं किया, 20 रन भी नहीं आए बंदे के, 2 इनिंग्स खेली थी WTC के फाइनल की, सही है। वर्ल्ड कप के फाइनल में क्या किया था, कुछ भी नहीं कर पाया। बाहर क्या कर रहा है, वेस्ट इंडीज की टीम इस वक्त कहाँ चल रही है। वेस्ट इंडीज में विराट कोहली ने 75 रन की इनिंग खेली, विराट कोहली ने 100 बनाया, यशस्वी जायसवाल ने डेब्यू में 100 बनाया, और शुभमन गिल वहां पे भी कांड करके बैठ गए, मतलब गंद मचा दिया। अभी हालिया शुभमन गिल सिर्फ घर के शेर हैं, घर में खेलने वाला, और घर में भी छोटी टीमों के खिलाफ खेलने वाला है, बड़ी टीमों के खिलाफ तो भाई इसकी कोई परफॉर्म नहीं है, कोई परफॉर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, घंटा भी नहीं है। इसको तुम लोग सर पे बिठा के बैठ जाते हो, मिस्टर बेटर देन बाबर आजम कहते हो, तो भाई बाबर आजम मौजूदा सीरीज में बाबर आजम फॉर्म में नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी अफ्रीका में खेल रहा है ना तुम्हारा जो ना मिस्टर बेटर देन बाबर आजम शुभमन गिल, अफ्रीका में खेल रहा है ना बाबर आजम की 2019 वाली अफ्रीका की सीरीज उठा के देख लो, 3 फॉर्मेट में खुद को मनवा के आए थे बाबर आजम। फिर 2021 वाली जो है ना वनडे T20 और टेस्ट सीरीज देख लो अफ्रीका के खिलाफ, बाबर आजम की सेंचुरियां और टेस्ट में और वनडे में दोनों में सेंचुरियां मिलेंगी, और T20 में भी बाबर आजम की सेंचुरी मिलेगी। इसी मैदान में बाबर आजम सेंचुरियां बना के आए हैं, तो बाहर शुभमन गिल कर क्या रहे हैं।